नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आपके घर में धन आए, सौभाग्य आए, परिवार की दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे, घर का माहौल हमेशा हरा भरा बना रहे, इसके लिए आप ये छोटा सा उपाय जरूर करते रहें। ये उपाय दोस्तों आपके घर को धन धाने से भर देता है, घर को हंसी खुशी से भर देता है और आपकी जो बुद्धि है उसको एकदम तीव्र बनाता है। कई परिवारों में आप देखना दोस्तों, घर के तमाम लोग मंद बुद्धि के ही होते हैं, एक नहीं दो नहीं, जितने सारे मंद बुद्धि होंगे। और कई परिवारों में आप खुद, आपने ऐसे परिवार देखे होंगे तो आप खुद बोलेंगे कि अरे यार, उस घर में तो जितने सब होशियार हैं, बिल्कुल इससे उल्टा, वहां तो जितने सबके सब बेवकूफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ एक ऐसे कर्म घर के अंदर हो रहे होते हैं जिससे आप खुद अनजान होते हैं, और वो जो कर्म हो रहा है उसके इफेक्ट परिवार के तमाम मेंबर्स के ऊपर हो रही होती है। आप देखना, एक परिवार के ज्यादातर मेंबर्स एक जैसे ही होंगे क्योंकि उनका रहन सहन एक जैसा होता है, एक ही कढ़ाई में बना खाना वो लोग खा रहे हैं, एक ही तरीके से। जिस तरीके का खाना आप खाएंगे, जिस माहौल में आप रहेंगे, उसकी पूरी इफेक्ट आपके ऊपर होनी ही होनी है, बराबर। जो मकान में रह रहे हैं, उस मकान का किचन किस दिशा में है, उस मकान का बेडरूम किस दिशा में है, हॉल किस दिशा में है, सब कुछ सबके ऊपर समान रूप से इफेक्ट करता है। इसके लिए देखने में मिलता है कि कई परिवारों में कई परिवार बहुत ज्यादा आगे होते हैं और कई परिवार बिल्कुल पीछे। इंसान तो सभी हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा बड़ा गैप दिखाई देता है बुद्धिमता में, उनके करियर को लेकर के, आप देखना अमुक घर में दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, बोले सारे के सारे ही डॉक्टर्स हो गए, दो हैं दोनों इंजीनियर हो गए, उनका घर, घर की जमीन ऐसी जगह पर है, उनके खाने पीने में वो चीज वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी सोच में वो चीज आ रही है और वो उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। कई घरों में सारे के सारे बिजनेसमैन है ना। ऐसा तभी होता है जब आपका जीवन एक जैसा होता है और परिवार के तमाम लोगों का जीवन किचन से तो जुड़ा हुआ होता ही होता है, बराबर। तो दोस्तों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार के सारे ही मेंबर्स बुद्धिशाली हो, उनका करियर अच्छा हो, तीव्र बुद्धि हो, घर का माहौल बहुत अच्छा रहे, नौकरी धंधे बहुत अच्छे से चलें, ये सब कुछ यदि आप चाहते हैं, तो एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इन दो चीजों को हमेशा छुपा करके रखें। आज मैं उन्हीं में से एक चीज के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ, वो है मूंग की दाल। कि मूंग की दाल दोस्तों हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें। जो भी आपके घर में मिट्टी का बर्तन हो उसमें आप मूंग की दाल भर करके रखें। बुधवार के दिन आप उसको भर दें और उसी में से लेकर के आप यूज करें। कुछ ही दिनों में आपको दोस्तों जबरदस्त फर्क दिखाई देने लग जाएगा। एक और उपाय मैंने बताया था कि आप दो कच्ची मिट्टी के घड़े ले आए पानी पीने की, छोटी छोटी जैसे मटकियां होती हैं, एक में आप खड़ा नमक भर दें सवा किलो, दूसरे में सवा किलो मूंग भर दें, और दोनों ही मटकियों को आप ग्रीन रंग के कपड़े से बांध दें। बांध करके आप उसको घर का जो भी एकांत स्थान हो वहां पर रख दें। दोस्तों, जब तक वो रखा रहेगा आपके नौकरी धंधे जबरदस्त रूप से चलते रहेंगे। दोनों चीजों को आप एक ही जगह एक ही साथ दोनों को ग्रीन रंग के कपड़े से बांध करके रख दें और रिजल्ट देखें। मिट्टी के बर्तन का और बुध का जबरदस्त कनेक्शन है। जब मूंग की दाल आप उसमें भर करके रखते हैं, जो लोग मतलब ये दो घड़े वाला उपाय ना कर पा रहे हो, वे लोग इस छोटे से उपाय को जरूर करें और मूंग की दाल को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों छुपा करके रखें, क्योंकि ये आपके घर की खुशियों से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई चीज है। आप देखना, आप बहुत बड़ा बड़ा किसी चीज का प्लान बना रहे हैं और आपने किसी ईर्ष्या भावी इंसान को बता दिया, ऐसे इंसान को जो अंदर से आपके ऊपर खुश नहीं है, तो आपका घर, आपके घर में एक दिन शोक हो जाएगा, घर के सारे इंसान दुखी रहने लग जाएंगे। आप जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। कई जगह आप देखना,
कई परिवारों में बहुत खुशियां होती हैं, कई लोगों की इसकी बहुत बुरी नजर लग जाती है और उस वो परिवार तितर बितर हो जाता है। तो मूंग की दाल जो है इस चीज को बचाती है। मूंग और मूंग का संबंध बुध से है। बुध आपके घर की खुशियों की रक्षा करता है, आपकी बुद्धि की रक्षा करता है। तो इस चीज को छुपा करके रखें। कोई भी आप बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, कभी किसी के सामने ना कहें। यदि आपने कह दिया उसको गुप्त नहीं रखा तो कितना ही बड़ा काम होगा आप उसको नहीं कर पाएंगे। आप कितनी ही मेहनत करें उसमें इतनी अड़चनें आने लग जाएंगी कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। गुप्त रूप से आप करें, आप बड़े से बड़ा काम आसानी से कर जाएंगे। किसी चीज का यदि आपने अफवाह उड़ा दी, 10 कानों में आपकी बातें चली गई, वो काम नहीं होने वाला है। लिख लो आप। ये तमाम चीजें ऐसी है जो गुप्तता के ऊपर डिपेंड करती है। कभी भी अपने घर की खुशियों को, अपने घर की रहीशी को, घर के धन धान्य को ईर्ष्या भावी व्यक्ति के सामने ना बताएं, ना ही उसको उसका सो करें। ऐसा करने से जो जो घर की श्री है वो खत्म होती है। तो इसीलिए दोस्तों मूंग की दाल को हमेशा छुपा करके रखनी चाहिए और मिट्टी के बर्तन में रखें। रिजल्ट देखकर आप खुद दोस्तों चौंक जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। करके देखें, करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।